अगर आप घर बना रहे हैं तो घर बनाते समय जो मिस्टेक्स होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल जो पाइप्स कंडक्टिंग जो हो रही है, तो ये काफ़ी लोग क्या करते हैं कि फटाफट काम जल्दी जल्दी करने की वजह से पहले प्लास्टर कर देते हैं, उसके बाद जो फिटिंग्स होती हैं उसको छोड़ दिया जाता है। बट लेकिन ये चीज़ गलत होती है कि जब भी आप घर बनाएं तो सबसे पहले जो फिटिंग्स होती है उसी को करवाएं, ठीक है। जैसे कि सीलिंग में भी आप देख रहे हैं तो सीलिंग में भी इस तरह से ये भी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि उसका जो पाइप है कंसील्ड का जो पाइप है कंडक्टिंग पाइप है वो दीवार से नहीं निकाला गया, पॉइंट नहीं निकाला गया, तो वो ये एक मेन स्विच बोर्ड हो जाएगा जो ये आपका आउटपुट देता है, ठीक है, ये इनपुट देता है, आउटपुट से इनपुट इनपुट देता है आपको। ये आपका सीलिंग फैन और कंसील्ड के लिए जो स्विच होते हैं, आपके जो मेन स्विच होते हैं, इस तरह से दिया जाता है दीवारों के ऊपर। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल्स होते हैं या फिर घर बनाने में गलती क्या कर देते हैं कि पहले कंडक्टिंग पाइप भी करा देते हैं, बट लेकिन जैसे तार की वायर, जैसे वाइंडिंग वायर के टाइम पे क्या होता है कि पॉइंट कहीं पे दब जाते हैं, जैसे कंसील्ड पाइप जो वाल के अंदर आती है, कंसील्ड जो आती है जैसे कि आपका बल्ब के लिए या फिर ट्यूबलाइट के लिए, तो वो वहाँ पे भूल जाते हैं। तो इसी बाद में जब वायरिंग, जैसे पहले तो आप कंडक्टिंग आपने कर दी, पर लेकिन वायरिंग के टाइम पे भी ये कहीं पे पॉइंट मिलते हैं, कहीं पर पॉइंट नहीं मिलते हैं, तो उस बेस पे जब आप भी आप प्लास्टर करा देते हैं पेंट कराने से पहले, क्योंकि आप पेंट करा देंगे तो यहाँ पे आप जब देखेंगे ना, जब आप इस यहाँ पे प्लास्टर कराएंगे तो प्लास्टर के टाइम पे वो कुछ समय के बाद वो क्रैक्स आ जाएगा, पूरा जॉइंट खुल जाएगा, और यहाँ पे पेंट भी हो चुका है। जब आप इसकी रिपेयरिंग कराएंगे तो कम से कम इतना 2 इंची प्लास्टर को आपको झाड़ना है, 2 इंची कम से कम प्लास्टर दोनों तरफ से रिमूव करना है, हटाना है इनको, उसके बाद प्लास्टर को आपको अच्छे से रिपेयर कर देना है, ठीक है, इसके ऊपर अच्छे से रिमूव कर देना है। कोशिश करनी चाहिए कि सिलिकॉन इसमें भी मिला दें, तो सिलिकॉन मिला देंगे या फिर आप फाइबर मैश जो जाली होती है, मुर्गी जाली होती है, वो भी लगा देंगे तो वो प्रॉपर इसे पकड़ कर लेगा इस पर, ठीक है। तो पहले इस पर 2 टाइम पे होगा, पहले तो सीमेंट मोर्टार से ये जो पाइप कंडक्टिंग पाइप जो उसका मसाला अच्छे से भरा जाएगा, अगर आप इसको फिलिंग नहीं करेंगे डायरेक्ट प्लास्टर कर देंगे तो प्लास्टर पर यहाँ पर जो जॉइंट होगा वो खुल जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि पहले इसका जो रिपेयरिंग है वो प्लास्टर का रिपेयरिंग करें, उसके बाद ही इसको प्लास्टर इसके ऊपर से करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि हम पहले इसका प्रोसेस क्या रहता है कि पहले क्या करना है कि कंडक्टिंग वाल ब्रिक मेजनरी करने के बाद, चुनाई करने के बाद ये कंडक्टिंग पाइप रहे जहाँ पे बॉक्स रहना है, कितनी हाइट पे रहना है, कम से कम आपके शोल्डर की हाइट तक का कम से कम आपका ये रहे ताकि आसानी से स्विच आप लगा सके। जैसे कि मिनिमम यहाँ से 4 फीट की हाइट पे, मिनिमम 4 फीट होना चाहिए, 3.5 फीट भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 फीट की हाइट पे आप स्विच बोर्ड लगाएं, ठीक है। उसके बाद आपका ये कंडक्टिंग पाइप चल जाता है प्रॉपर रिपेयरिंग के लिए। और सीलिंग में ये कटिंग करना पड़ा जिससे क्या होगा, ये प्लास्टर भी क्रैक हो जाएगा, यहाँ पे प्लास्टर जो भी आप रिपेयरिंग करें क्रैक हो जाएगा। तो कुछ करना चाहिए कि यहाँ पे भी फाइबर मैश में यूज कर लें या फिर सिलिकॉन इसमें यूज कर सकते हैं, तो इसमें आप प्रॉपरली से मिला दें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कंडक्टिंग पाइप करते हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे गलती होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे दीवार जैसे वार के ऊपर कंसील पॉइंट आता है, सीलिंग में कंसील आती है, तो कहाँ पे वायरिंग दे देंगे, एल्यूमिनियम जो वायरिंग होता है पहले तार डाल के छोड़ देंगे, उसके बाद फाइनल पेंट के बाद आप स्विच वायरिंग वहाँ पे कर सकते हो जो फिटिंग होती है। तो पेंट के बाद आप सिंगल, जैसे सिंगल कोट लगाया आपने, सिंगल कोट या डबल कोट, तो उसके बाद ही आप वायरिंग कर दे, ठीक है, फाइनल पेंट के बाद फिर आप उसको फिटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये गलती ना करें क्योंकि क्रैक से बचे और फालतू जो खर्चा होता है उससे भी बचना चाहिए आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।